मेरा ना मेरा रोटी पानी सब इस काम से चलता है, मेरे पूरे स्टाफ की सैलरी इस काम से जाती है। तो ऐसा लगता है किसी दिन ब्लॉगिंग का भी ऐसा दिन आएगा कि बस अंदर से लेगा कि बस लखन इट्स डन, ये कि अपना बॉन्ड टूटे ना, हमेशा साथ साथ रहना। छैया छैया पे भैया एक बार हम बिना बिना साउंड के जाएंगे। वन दीदी बैठेंगे, वन टू थ्री गो। क्यों पागल हो गया? वन टू थ्री फोर। अभी मैं और सोनी डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम ऐसा करेंगे डांस अपना बना ले पिया। अरे मुझे भी तो घुमा। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज हम लोग तैयार है, हल्दी का फंक्शन है जो कि आप लोग अभी देखने वाले हो। नीतू अभी तक तैयार नहीं हुई है। दीदी और नीतू दोनों सुबह से डांस की तैयारी कर रही हैं भरपूर, मेरे ख्याल से एक घंटा डांस प्रैक्टिस करी है, लेकिन फिर भी इनके स्टेप मैच नहीं कर रहे थे। मैंने तो पार्टी नहीं लिया, मेरे को पता है मैं कितने प्रैक्टिस कर लूं भाई, मेरे से डांस हो ही नहीं सकता। आई डोंट नो ऐसा क्यों, लेकिन मैं एक्सेप्ट कर चुका हूं उस चीज को कि भाई डांस मेरे बस की है ही नहीं। यहां पर हमारी सोनी दीदी रेडी हो रही है और मैंने इनको बोला है दीदी आप प्लीज बाल को ऐसे टाई करना, वरना क्योंकि कल होली मेरे मुंह में होली क्यों आ रहा है पता नहीं। हल्दी जो हुई थी ना बहुत ही डेंजरस हुई थी, इसलिए बालों में ना लगे, बस कपड़ों में लग जाए, फेस में लग जाए, है ना बाबू? है ना बाबू? तो मैडम आपको कैसा लुक चाहिए, कैसा हेयर चाहिए आपको? जैसा आपका हुआ है, ठीक है? जैसे आपके दोस्त आलिया भट्ट का हुआ है, अभी कहती है आलिया भट्ट की दिखाऊंगी, वैसे करना। ये आलिया भट्ट की चाइल्डहुड फ्रेंड है। यार दीदी तू अब और लेट करा दिया हमें। मैं नहीं करा रही, नीतू करा रही। अरे तेरा अभी तक बाल नहीं हुआ यार, दीदी टाइम से चला कर यार, गलत बात है। तो भाई हमने सोचा हुआ है कि आज हम कुछ अलग भी करने वाले हैं, आज हम बहुत सारे गेम्स वहाँ खेलने वाले हैं जो कि अभी दुल्हन को भी नहीं पता। पुनीत हमारा कल रात ही वहाँ पहुंच गया था, हमने उसको सारा सामान लेके भेज दिया है क्योंकि हल्दी के टाइम पे सबसे ज्यादा फन होना चाहिए। तो फन ऐसे हुआ कि आज कुछ गेम्स जो कीर्ति ने हमें सजेस्ट किया है और हम वो गेम्स आज खेलने वाले हैं। दूल्हा दुल्हन होगा, दुल्हन होगी, सारे घर वाले होंगे और बहुत मजा आने वाला है भाई। आज का फंडे होने वाला है। क्या कर रहा था अभी? कबूतरों को मारने जा रहा था। ये मार दिया कबूतरों को? अबे तेरा चेहरा देख रहे तुझे आगे किस और कर जाएंगे वो, इतना भोला चेहरा बना के जा रहा है। नहीं तू जल्दी उसको तैयार कर ले यार, देख यार उनके हेयर करवाने बहुत जरूरी है। आजा तैयारी, आजा। ओहो हमारी तैयारी ने तो कैमरे पर ही मुंह लगा दिया। अरे चल लो भाई, दीदी चल यार, क्यों लेट कर रही है, क्या कर रही है? अब चल हो गया तो चलना, फिर तू ही नहीं निकल रही, आ जल्दी, तेरे चक्कर में लेट हो जाएंगे सब। नीतू कहाँ है? वो नहीं है अभी तक। नीतू आ गई? अच्छा अंदर बैठ गई। तू और नीतू पीछे बैठ जाओ, मैं आगे बैठ जाऊंगा, ठीक है? अगर आप दूसरी वाली गाड़ी में आ जाना साथ में। चल बैठ बैठ बैठ, उधर आ जा, मैं आगे आ जाता हूँ। तो अब हम बिल्कुल सेट है, यहाँ से निकलते हैं और सीधा बुलंदशहर पहुंचते हैं और धमाका शुरू करते हैं। तो गाइस देखने ने मुझे मना किया कि कमेंट्स अभी नहीं पढ़ने, एंड में पढ़ने। हम लोग चले हल्दी के लिए, दोनों ने येलो पहना, लेकिन दीदी का थोड़ा पिंक कॉन्ट्रास्ट है और मैंने अपने सारे नेल्स निकाल दिए। एक्सटेंशन लगवाओगे दीदी? बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। दीदी को बिल्कुल नहीं पसंद, लास्ट टाइम आपने ट्रिप पर लगवाए थे, कितना अफसोस जताया आपने। बहुत ज्यादा यार, और मैंने खुद ही तोड़े हैं घर में बैठ के सारे। सच में यार एक्सटेंशन होते तो बड़े बेकार है, मगर क्या कर सकते हैं, जल्दीबाजी भी तो वही काम आते हैं। और मुझे इससे प्यार हो गया, ये है मेरे सर बालों का ये गजरा। कल मेहंदी के लिए हम दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि हम दोनों डांस करेंगे। वैसे तो हम आज भी डांस कर सकते हैं, करना चाहिए हमें। सो हम लोग फाइनली पहुंच गए बुलंदशहर, यहाँ पहले से गाने वाने बज रहे हैं। पता नहीं वो अंदर बैठा था। दीदी तेरा पता है बुआ जी को कि तू आ रही है आज? हाँ यार पता ही होगा, स्प्रिंट से बताया। ओ हाँ हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते सभी को, नमस्ते। नमस्ते, कैसी हो बुआ जी? बहुत बढ़िया बेटा, इंतजार हो रहा आपका। अच्छा बुआ जी नमस्ते, नमस्ते। नहीं बेटी जी नमस्ते, अम्मा नमस्ते, नमस्ते बेटा। थैंक यू। पुनीत अम्मा जी को कुर्सी दे दो। तो अभी हम लोग आ गए पूजा वाली जगह। अम्मा कैसी हो? बढ़िया। आज क्या क्या पूजा होगी हल्दी से पहले? ये बूढ़े बाबू पूजा, पहले बूढ़े बाबू की पूजा होगी, उसके बाद फिर हल्दी वाली रस्म स्टार्ट होगी। और हल्दी की शुरुआत तो नीतू से ही होगी, है ना? क्योंकि वही सारे वो भाभी वाले फर्ज निभा रही है, उसी से होगी शुरुआत। अम्मा लो चेयर। क्या अम्मा के लिए चेयर? अम्मा लो, अरे बैठो, अरे मेरा बच्चा, पैर छू लूं। कैसी हो? उस दिन मिला, उस दिन को देख
तुम कब चले गए तुम्हारे पता ही नहीं चला यही बैठे थे बैठे बैठे कब चले और जाते बता तो बता दी तो सही बिल्कुल तैयारी फुल बस तुम्हारा इंतजार था ये मैं इसको देख रहा हूँ कैसे अजीब ठंड लगती है ना कैसे रहना है लहंगा पहनो ना कल हुआ था ये तो क्या हो गया चलो भाई थोड़ा सा पहले काम निपटाया जाए चलो दीदी आप पहन लो चलो फूफा जी फूफा जी नमस्ते सोनी जी मैं डांस की तैयारी कर रही हूँ हल्दी अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होगी इसको मैं इतने टाइम में ढूंढ रही थी आ नहीं रही थी कहाँ थी ऊपर और अभी मैं ऊपर थी कह रही ऊपर गोलू बोलो हाँ बंकु को बुला के लाओ कल पुनीत कह रहा बंकु को कि तेरे किस में लगाऊंगा ओ कितना प्यारा है यार ये प्रणाम भैया आज से भैया को बहुत आदर तो वैसे देती थी लेकिन आज से कुछ ज्यादा दूंगी क्यों कल इन्होंने डन कर दिया हमारा वो क्योंकि आपने वैष्णो देवी जाने का आपने हमारा डन किया है माता रानी के पास तो हम लोग जा रहे हैं तो सिर्फ आपकी वजह से नहीं ये तो माता बुला रही है माता जी बुला भी रही है लेकिन आपने वो भी करवाई बस क्यों ये बहुत बड़ा कर रहा है देखो कोई जल रहा है धुआं कैसे हो रहा है भैया आपको भी येलो पहनना हेलो हाँ मैं अभी काम कर रहा हूँ ना इसलिए पहनना डांस कैसे करोगे डांस नहीं आता मुझे थोड़ा सा ऐसे ऐसे चलो 1 2 3 गो नहीं मैं बता तो रही हूँ 1 2 3 गो ऐसे मतलब सारे ऐसे करेंगे एक स्टेप हाँ, लगना मतलब पूरा प्रॉपर सिंक करना है क्या अरे भाई ऐसे उंगली करना देखो मैं बता देती हूँ ऐसे ऐसे करके ऐसे फिर ऐसे करके ऐसे हाँ ये क्या डांस हुआ ये है 1 2 3 गो 3 बारी 1 2 3 बारी में क्या हो जाएगा 3 बारी अब नीतू को भाभी वाले फर्ज निभाने हैं नीतू ही लेके चलेगी दुल्हन को अब ऊपर चलो भाई दुल्हन की भाभी कहाँ है तो वो पूछने जाएगी मम्मी अंदर है पापा अंदर क्या होता है वो मूवी नहीं है मम्मी अंदर है वो मूवी अंदर की है इन्होंने अंदर अरे कोई मिल गया वैसे तो बोलता है वो अंदर धूप अंदर हम बाहर बोलो भाई रूवी थी सॉरी मैंने डांट लगा दी अच्छा वो गेहूँ जो है वो अंदर भगवान जी के पास रखने जा रही है ना चश्मा किस लगा रखा है तुझे कवर में रखते नमस्ते कैसे हो बहुत अच्छी हमारी तो अम्मा सबसे प्यारी बहू भी तो प्यारी है बूढ़े बाबू बूढ़े बाबू मुझे बता देना सारे इसमें ये बाबा ना ये सभी के हम पूजा अच्छा तो भाई यहाँ पर पूजा हो रही है अभी भी बूढ़े बाबू वाली जो हमारी शादी में भी आपने देखा था और अभी भी हो रहा है क्योंकि हमारे नॉर्थ में ऐसा मानते हैं कि सबसे पहले काम यही होता है अपने दही देवताओं की पूजा करना काना डांस करेगा चप्पल कलवल में ही तो सीखा मैंने
अरे एक ही तो सेशन हुआ मेरा क्लास तो गया सीखे। आगे जी आगे क्या कर रहे थे अभी क्या कर रहा अभी देखना बेटा दोबारा मत बजाना गजब बेइज्जती है अरे बंकू कल कितने बजे तक डांस किया क्या डांस करके दिखा दो दिखा एक बार ढंग से बंकू के बिना बिना म्यूजिक के उसके दिमाग में म्यूजिक है प्यारा बच्चा भी प्यारा बच्चा रात तो नंगा हो डांस आ गई प्यारी बच्ची घर पर मेरे पास क्यों रो रही है नॉट सो प्यारी नहीं सिर्फ प्यारी डांस करेगा डांस करेगा इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास बंकू डांस कब करेगा अभी आ रहा है खत्म हुई थी वैसे आज भी होगी है ना आज कल चढ़ाने की रस्म हुई थी आज आ जाने वाली सही कर रही हूँ बड़ी फास्ट कल का जोश आ गया है कल का जोश हां नहीं तो कल सीख लिया करना आ गया मैं बहू रानी से अभी बड़ी होगी ना भाई भर दो इसकी आग न्यू रूबी की पूरी तुम्हारी तरह ये बनवा दे यहाँ से यूं तो ये है हल्दी की डेकोरेशन यहाँ पर हमारी दुल्हन जी बैठेंगी और अपनी उनकी हल्दी लगाई जाएगी मुझे अपने दिन याद आ गए बट मैं अपनी हल्दी के दिन बहुत रोई थी बहुत 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 क्योंकि मैंने एकदम से अपने पापा की फोटो देख ली थी मुझे बहुत रोना आया था और मेरे को देख देख के मम्मी भी रोने लगी फर्स्ट वाली होनी तो नहीं मेरे को छोड़ के वो स्क्रिप्ट में था कि जैसे ही ऐसे टच होगा ना तो नहीं भैया मैंने पापा की फोटो देख ली थी एक तो मुझे याद आ गई और फिर उस सिचुएशन में चलो चलो दुल्हन को तैयार करें अलग ही डांस करने लगे थे यहाँ पर आगे मुझे याद नहीं आया हम पूछने आए हैं आपको रेडी कराने क्यों नहीं करते किसने बोला अगर नोट वोट के पीछे करते ना फॉर्म नहीं कर सकती हो गई रेडी बहन तू क्यों तैयार करने की कोशिश कर रही है कितनी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट हमने बुलाई देखो सबसे बड़ी मेकअप आर्टिस्ट तो यही है नो तेरा मुकड़ा गाना का बताओ कौन सा है भाई गाना वाला नया का तेरी सूरत ए यार आकाश भैया तू भी क्या बोल रहे आकाश भैया तेरी सूरत आ तू अरे वो बोल रहे हैं भाई किसने बोला है किस आपने किसको बोलते सुना लोग बॉयकॉट कर देंगे तुम्हें लोगों ने देख लिया तुमने क्या कराई समझ नहीं लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि लोगों को पता है ना कि मैं अंदर की खबरें बाहर पहुंचा सकता हूं अबे दुल्हन तू थोड़ी है वाह बहन अच्छा लग रहा तेरे को ये करते हुए देख के फिर जब तेरी शादी हो जाएगी कौन करेगा ये काम थोड़ा मेकअप नहीं करोगे आप ऑलमोस्ट रेडी हो गए हमारी दीदी थोड़ा ना ये आंखों का नीचे नीचे क्लीन करवा दो बहुत ब्लैक हो रहा है ना ये इसीलिए जलवाए इसके बाल खींचा करें सब प्योलो 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 पहले खाना खा लो सब जने अज्जा भाई बंकू आया देख रहे सब ठीक चल रहा है नहीं बंकू तैयार हो गई हो अब आंखें मत मिचो नहीं बंकू करेगा यार अभी बताओ किस तरह से बताओ मेकअप कर दे बंकू उसका ऐसे लड़कियों के इतने सारे सामान होते हैं पता ही नहीं कौन सा क्या है वो भी तो कुछ भी कर ले 19-20 ही होगा इसे और परेशान करूंगा वाह यार पहचान में नहीं आ रही मैं तो बंकू को लेने आया था आज बंकू चल पागल शरारती चलो मुझे भगा दिया यहाँ से नहीं नहीं तुलसी भाभी अरे सुनीता भाभी रुको
काम करने दो। एक वो ले आओ चम्मच। सही है, काम करवा रही अच्छी लग रही है। हाँ हाँ हाँ, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं दोनों अभी। करवा दी लो है कि नहीं? और क्या, पर्सल और खा लो। आप बैठ जाओ दीदी, आप बैठ जाओ। मैं भी बैठ जाऊँ इनके साथ। अरे और भी आ जाओ। हाँ बुआ जी को ही बैठाओ, खिलाओ, नाचती रहती है। बुआ हमारी दो है, ये एक है यार, दो है दो। बस बस कब बाद में कब खा लो फिर, कहा टाइम मिल रहा तुम्हें, आ जाओ। तो बुआ ने जो साड़ी पहनी हुई है उसको पहन के कुछ खा नहीं सकती है। ओके तो चेंज करके तब खाएंगी। लो लो अम्मा को दो, अम्मा को दे, अम्मा बाद में खाएंगे, खिलाएंगे। पहले आप बताओ। हाँ थोड़ी थोड़ी सब लगा दो। अरे मैं खा लूंगी यहाँ, अम्मा को लगा दो थोड़ा। हाँ थोड़ा थोड़ा सब लगा दो, प्लेट में लगा दो। हाँ हाँ खिलाओ, मैं खा लूंगी। बुआ जी आप भी बैठ जाओ। बैठूंगा अगर भी, और किसे खिलाना है? अम्मा को, ये वाली को, इनका लगा के अंदर दे दो। हम पे भी फोकस कर लो, हम भी भाभी यही हल्का खाओ, हल्का खाओ, ना नचेगा तो तुम नचा। अरे चम्मच कहाँ है, देखो ये रखी। मेरी मांगनी दिखेगी तो सबको पता है मांगनी। ऐसा कर लो, देख नहीं हो गया, फिर लगा लो, नहीं हटेगी। मुझे भरोसा है अपनी सर पर। चलो अब दुल्हन बाहर आएगी, आओ दीदी आराम से। लखन आ जाओ जल्दी, हाँ आओ जल्दी। हमारी ब्राइड आ चुकी है हल्दी की रस्म में। आओ सुन दीदी, आओ आओ आप भी आओ। कहाँ है सब, आ जाओ, जो जो है भाई पीछे में चढ़ो। तू भी रो मत, तू भी रो मत यार, यार ये दुल्हन रो ही नहीं रही, इसको ऐसे बोल बोल के रोना पड़ेगा। मत रो, किस में बैठूं? अरे रुक, अरे अभी तो उसमें बैठ, ठीक कर देता हूं। एक मिनट रुक जाओ यार, कितना काम है भाई, इसको कहाँ बैठना है भाई, इसका बताओ। अभी ये वहाँ बैठेगी, इसमें पानी भरेगा फिर इसमें छपा। क्यों कुछ ज्यादा पास, बैठ जा बैठ, थोड़ा दूर करें दीदी। यार यार रो तो सही, थोड़ा उसको थोड़ा सा दूर कर। मैं रोती रहूंगी। अरे रो रही है, भूसा मारूं, रो जा फिर रो जाएगी सच में भाई। सही बात है, अरमान भैया का, अरमान भैया के हम गाने चला रहे हैं और कोई कॉपीराइट नहीं आ रहा, मजा आ रहा है, लगा दो यार। नमस्ते, कैसे हुआ भाई? सामने से सब हट जाओ, दुल्हन के लिए मैं डांस कर रही हूँ यार, जल्दी चला दो, मैं नाच चुकी हूँ। चला दे यार, दुल्हन के लिए मेरा स्पेशल डांस। कोई तो कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है मेरे डांस देखने में यार। भाई अब टाइम आ गया, हल्दी शुरू होने वाली, उससे पहले पहले कुछ खा लेता हूँ। तू नीचे भी खा के आई है, अब फिर खा रही है। बोला है कि हम हेल्दी पर कुछ येलो ही खाएंगे। हेल्दी पर किस पे खाएंगे? हेल्दी पे क्या यार, हेल्दी 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 हेल्दी। मेरे को ऐसी कड़े चाहिए, सिंपल एकदम यार। मनु चाचा आपके, मैं बहुत सैड हूँ, हल्दी में मेरी कोई सुन नहीं रहा है क्योंकि मैं डांस करना चाहती हूँ दुल्हन के लिए। अब एक बात सुन लो हिमांशु, कहाँ ये हर किसी को एक एक बात सुनाई जा रहा है। आ बंकू, बंकू कैसे डांस करेंगे? देखो इसका डांस ऐसा, बंकू इधर आके दिखाओ अपना डांस। ताली बजाना, मैं तो क्या,
तुम्हें गोम एक हाथ तो नीचे करो तो अभी यहाँ पर लाइट चली गई है जिस वजह से हमारा गाना रुक गया है, लेकिन हम वेट कर रहे हैं लाइट आए और हम तुरंत डांस स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे करोगे डांस? वो तो रोएगी, उसको आज एक ही टास्क दिया है। क्यों रो? मैं नहीं आज नहीं रोएंगी, प्रॉमिस परसों नहीं रोऊंगी। अबे इसमें है क्या? रोना तो आ जाता है, देखो मम्मी पापा की शक्ल देख के रोना आ जाता है। किसे मुझे देख के क्यों रोना आएगा? भाई का प्यार। गाइस पता है ऊपर दुल्हन को ढूंढ रहे हैं सब लोग, क्योंकि जब अभी फंक्शन स्टार्ट होने वाला है और दुल्हन एकदम से गायब हो गई वहाँ पे, तो सबको लगा शायद वो अकेले में जाके कहीं रो रही होगी। मैं नीचे उसको ढूंढने आया और आके देखा कि दुल्हन क्या कर रही है, तो दुल्हन यहाँ मजे से खाना खा रही है। हमें लग रहा है दुल्हन चली गई नीचे, कहीं ऐसा ना हो अकेले में बैठ के रो रही हो, इमोशनल हो रही हो। ये देखो जी, तूने तो मेरे को ऊपर से ही बोल के भेजा रोना नहीं है, मेकअप खराब हो जाएगा। तीसरी प्लेट खा रही है यार। तीसरी? किसी और से पूछा तूने अभी तक? एक पहले दो थी। हां एक पहले खा चुकी है, दो ये रखी सामने। जब वहां पे मेरे फोटो हो रहे थे मैं देख लिया था, लकी खा रहा था, मुझे पता। मैं तो इसके साथ खा रहा था, इसके साथ तू लेकर आया ना, मैं तेरे साथ। अरे अरे तूने खाया नहीं, ऐसे क्यों कर रहे हो? अरे ज्यादा तो इसने खाया ना, ऐसे क्यों कर रहे हो? मुझे तू लाया शर्मा क्यों रही है इसमें? कोई बात नहीं, और चाहिए एक प्लेट बता। एक प्लेट ये लोग आए हमसे मिलने के लिए फतेहपुर से, यहाँ पर स्पेशली आप जेवर जेवर और ये लोग भी रावत है। ऐसा लग रहा है कि फैमिली आ रही है हमसे मिलने के लिए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर गेम खा हो जाएगी दीदी, अच्छे से खा लो, फिर काफी देर बैठना। अरे लेके चलो वही मुझे, चलो चलो आप हल्दी स्टार्ट हो गई, इसके अंदर बैठ जाओ, अब लगेगी दीदी के हल्दी, बैठ जाओ बैठ जा भाई। मेरे माथे की बिंदिया चमके चमके, मेरे सर से चुनरिया सरगे सरगे, हो भाभी एक साइड आप, एक साइड भाभी। हाँ चलो आओ आओ नेक्स्ट सीसी बुआ, आओ डांस करने के गाना क्यों चल रहा बीच में? इतनी खुश दुल्हन नहीं देखी मैंने, झूठा तो नहीं रही, पीछे से दो बार मुख के मारने पड़ेगा। मैं तो गाने में खुश हूं, मैं जाने में खुश हूं। वाह और क्या, हां सही बोला, कुछ बाएंगे अभी कर लेंगे। अनिकेत आगे आ जा, आ गया इसे उधर कर अनिकेत, इधर आओ तेरे बाल किस्मत से ज्यादा बच जाएंगे। ये मूवी चला दी क्या भैया? चल भैया आप अपना दोनों पुनीत आ जा, अरे पागल आ जा, फोटो ले ले अपना, अकेले का भी ले ले, दोनों के फोटो फूफा जी को भी बुला लो भाई, कोई ले ले आकाश भैया को।
कैसे हो आप भैया? उसको एक बार व्लॉग में ले लो, सामने देख व्लॉग में। हाय कर दो। आई थिंक हल्दी अब हो चुकी है। मैंने बाजी हल्दी से सबने लगा लिया, अब एक दूसरे को हल्दी लगेगी है बाजी। आपने तो मंगवाई नहीं। सो गाइस फाइनली हम लोग घर पर आ गए। आ तो पहले ही गए थे लेकिन मेरा ना बहुत ज़रा मतलब मूड ऑफ था आज, तो इसीलिए आने के बाद 4-5 घंटे कुछ किया नहीं, एक आने में बैठा रहा। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स पड़े। और एक चीज़ यार जो आप लोगों से बोलना चाहूँगा ना, बहुत सारे लोग बोले कि लखन भैया आप बाहर भी फंक्शन में जा रहे हो तो आप कैमरे से ही व्लॉग बना रहे हो, फ़ोन से ईजी बन जाएगा। पता है क्या है गाइज, आप में से ना बहुत सारे लोग ना समझ नहीं पाते हो भी कि ना मेरे घर में सबके लिए ना व्लॉगिंग एक बैकअप है। बैकअप कैसे कि सबके पास कुछ ना कुछ काम है। भाई बहुत अच्छा काम है, भाई बहुत बड़े बिजनेसमैन है करण, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, सबके पास कुछ ना कुछ है यार। मेरा ना इसके सिवा कुछ नहीं है, मेरा यही काम है, तो मेरे पास कोई बैकअप भी नहीं है इसके सिवा। तो इसीलिए ना मैं इस काम में पूरी जान लगाता हूँ और मेरा रोटी पानी सब इस काम से चलता है। मेरे पूरे स्टाफ की सैलरी इस काम से जाती है, मतलब मेरी ज़िंदगी इसी पर टिकी हुई है पूरी तरीके से। तो इसीलिए मैं इतना ध्यान रखता हूँ कि क्वालिटी बहुत अच्छी हो, कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि ना कि मैं बहुत अच्छी तरीके से बनाऊं, कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि लोगों को लगे कि नहीं यार इससे अच्छी क्वालिटी का हम कहीं और देख सकते हैं। इसीलिए मैं इतना पॉजिटिव हूँ और कोई ऐसा रीज़न नहीं है। बाकी जब तक है तब तक कर रहा हूँ यार, जिस दिन नहीं मन करेगा उस दिन छोड़ दूंगा एकदम से व्लॉगिंग। और मेरे साथ क्या होता है ना, मेरे साथ चीज़ें बड़ी सडनली छूटती हैं, मतलब कई बार ना एक अंदर से बस आवाज़ आती है कि नहीं यार नहीं मज़ा आ रहा, या मन करता है कि बस अब डन हो गया। तो ऐसा लगता है किसी दिन व्लॉगिंग का भी ऐसा दिन आएगा कि बस अंदर से लेगा कि बस लखन इट्स डन, और उस दिन डन हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा, जब मैं सोच रहा था आज कि आज 3-4 घंटे खाली बैठा, सोच रहा व्लॉगिंग का एंड कैसे होगा मेरा, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं पहले से बताऊंगा 1 महीने और व्लॉग्स आएंगे, लास्ट 1 मंथ, लास्ट 10 डेज, लास्ट 7 डेज, ऐसा नहीं होगा यार, अचानक से ही होगा। तो बस यही सोच के ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ना, थोड़ा सोच के कि व्लॉगिंग कब तक कर रहा हूँ, रहेगी नहीं रहेगी, व्लॉगिंग करूँगा नहीं करूँगा। लेकिन अगर नहीं भी करूँ ना तो यार आप लोग प्यार बना के रखना, आप लोग दूसरे सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हो मेरे साथ, और कहीं ना कहीं से अपडेट मिलती रहेगी आपको, यूट्यूब हो नहीं भी हो तो भी। बाकी बहुत लोग पर्सनली जानते हैं, कहीं मार्केट वार्केट में जाया करूँगा तो मिल लिया करना। मतलब ये कि अपना बॉन्ड टूटे ना, हमेशा साथ साथ रहना मेरे। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया सोशल मीडिया पर, कभी सोचा भी नहीं था यार, कभी नहीं सोचा था कि कोई इंसान ज़ीरो से जर्नी स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँच सकता है। वो आप सब ने कमाल करके दिखाया, उस सब के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ यार। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी तो लगता है कि हम डिज़र्व भी करते हैं इतना प्यार जितना लोग देते हैं। तो हो सकता है करते भी हैं, हो सकता है नहीं भी करते, वो दोनों मिक्स्ड आंसर हैं। लेकिन यही है कि अगर मैं बहुत इमोशनल हूँ यार, पता नहीं, और ये इमोशंस के चक्कर में ना मैंने इतने स्टूपिड डिसीजन लिए अपनी लाइफ में। क्रिकेट एकदम से छोड़ दिया, कोई बात हिट कर गई थी छोड़ दिया था। तो ऐसा लगता है किसी दिन कुछ ऐसा ना हो जाए कि यहाँ भी कुछ ऐसा हो, क्योंकि मेरी इतनी अच्छी फैमिली यहाँ पे बनी हुई है। लाइफ में कितनी बार ऐसा टाइम था कि मैं बहुत डाउन फील कर रहा था बहुत ज़्यादा, और मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था, उस टाइम मुझे सपोर्ट मिला, ऐसा लगने लगा। कितने लोगों को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, पर्सनली मतलब जिन लोगों ने व्लॉग देखा, जिन्हें ऐसा लगा कई बार मैं थोड़े ख़राब टाइम से निकल रहा हूँ, मेरे को इंस्टा पे मैसेज करते हैं, मेरी फैमिली बने हुए मेरे इतने बड़े बड़े लंबे लंबे मैसेज करते हैं, मेरी कॉन्वो होती है उनके साथ। तो ऐसा लगता है कितने सारे लोग कमा लिए इस काम की वजह। तो मैं बहुत थैंकफुल रहूँगा इस काम के लिए, हमेशा थैंकफुल रहूँगा इस काम के लिए मैं, क्योंकि इस काम ने मेरे को जितना दिया ना, मेरी औकात भी नहीं थी, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, ना मैं ना नीतू। लेकिन आप लोग रियल हीरो, क्योंकि आपने इतना कुछ कर दिया मेरी लाइफ में चेंज। तो थैंक यू सो मच आपको तहे दिल से। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना। चलो बाय।